तो गाइस ये है वो जगह अमरचंदिया तालाब, ये लिखा हुआ है इसकी पाल पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अमरचंदिया तालाब, और साइड में उस तरफ लिखा हुआ है वयम एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। वयम एडवेंचर्स लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट पे इस तालाब को ले रखा है और यहाँ सारी एडवेंचरस एक्टिविटी ये प्रोवाइड करवाते हैं। उदयपुर से ये अप्रोक्स 40 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं दिखाऊंगा यहाँ पहुँचने का पूरा रास्ता। ये यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था कर रखी है चाय और नाश्ते की। पकोड़े बनाओगे भैया? चाय पकोड़े के लिए व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, पानी की व्यवस्था। और यहाँ पर है आपका एक साउंड सिस्टम इन्होंने अवेलेबल कर रखा है, यानी आप पूरे डांस वांस कर सकते हैं, आपके पसंदीदा गाने चलते रहेंगे। और खाना खाने के लिए टेबल्स लगी हुई। लाइट्स अवेलेबल हैं, आप देख रहे हो पीछे साइड एक टॉयलेट अवेलेबल है ताकि आपको जंगल में ना जाना पड़े। और ये है आपके टेंट्स, आप देखते हैं टेंट में क्या है। टेंट तो एक आदमी के हिसाब से काफी है, छोटा ही है। संडे को वापस जाओगे? सुबह जाओगे वापस? तो उदयपुर में कहाँ रहते हो आप? अच्छा अच्छा सब आप फ्रेंड्स हो? कजिन्स हो? अच्छा फैमिली हो सब? बारिश आने में ही है ना? हाँ ठंडी हवा चल रही है ना, तो सर आपके चार्ज में ही है सारा? हाँ मैं देख रहा करता हूँ, ये है रोजी पालीवाल के। अच्छा तो बोटिंग करवाते हैं और ट्रैकिंग करवाते हैं उस पहाड़ पे। अच्छा तो हमने ईगल पीक पहाड़ है वहाँ पे, बड़ा जो बड़ा वाला पहाड़ है वहाँ पे हम ट्रैकिंग करवाते हैं या कायाकिंग करवाते हैं, पैदल बोट करवाते हैं और ये कैंपिंग करवाते हैं, मैजिक वगैरह चलाते हैं। घोड़ा बंधा हुआ है तो हॉर्स राइडिंग भी करवाते हैं? हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, वो भी चालू है। तो ये हमारा अभी एक्टिविटी ये चल रहा है अभी हमारे, और रणकपुर में है वहाँ जंगल कैंपिंग करवाते हैं और जंगल में भी घुमाते हैं, वहाँ पे 24 घंटा जंगल में बिताते हैं और वहाँ पे कैंप 24 घंटे कैंपिंग, मतलब वो जंगल में हाँ वो सुबह तक यहीं रहेंगे वहाँ पे।
जंगल में सुबह निकलेंगे और शाम रात तक 24 घंटे तक ट्रैकिंग करके फिर खाना खाते हैं। अच्छा। और कैंपिंग करते हैं वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, यहाँ के चार्जेस, एक्टिविटी के चार्जेस की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वयम एडवेंचर्स के नाम से गूगल पर सर्च कर सकते हैं और ख़ुद बुक करवा सकते हैं। तो गाइज, उदयपुर के आसपास ये एक हिडन प्लेस है, लोग यहाँ आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग यहाँ आ पाते हैं। तो अगर आप समय निकाल पाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी यहाँ आएँ और यहाँ एक दिन कैंपिंग करके देखें, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। गाइज, फाइनली हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं, अमरचंदिया तालाब में हमने एक पैडल बोट ली है। यहाँ पर दोनों तरह की बोट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो मोटर बोट ले सकते हैं और आप चाहें तो पैडल बोट ले सकते हैं। हमें जाना है उस टापू पर। अगर मैं मोटर बोट लेता तो वो 2 मिनट में हमें वहाँ छोड़ देती, लेकिन मैंने ली है पैडल बोट। पैडल बोट हमारे पास ही है, हम चाहेंगे जितनी देर इसे चलाएंगे, हमें जिस टापू पे जाना है जाएंगे, हम पूरे तालाब में चक्कर लगाएंगे। यहाँ आने का पर्पज एक और था, आज एक स्पेशल दिन हो रहा है, आज मेरी वाइफ रुचि का बर्थडे है और रेड वेलवेट केक। तो गाइस, ये वो खास लोकेशन थी जो कब से मेरे रडार पर थी, लेकिन मैं खास दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मैं इस जगह का अगर वीडियो बनाऊंगा तो वो कोई ख़ास दिन होना चाहिए, क्योंकि जगह इतनी अच्छी है, नेचुरल प्लेस है, बहुत ही सुंदर जगह है। ये सामने तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है, इस टापू पर आकर आप अपना खाना खुद बना सकते हैं, आप अपना सामान साथ लाइए, अपनी टीम के साथ आएँ, पार्टी करें एंड आपकी पिकनिक इंजॉय करें। इसका एक अलग ही आनंद है, अलग ही मजा है इसका। टापू पर भी छोटा मोटा एक टेंट बना रखा है। इन दोनों टापुओं के बीच से क्रॉस होते हुए एक टापू इस साइड है और एक टापू इस साइड है, बीच में छोटी सी जगह है, ये नहर जैसे, तो हम इस जगह को क्रॉस कर रहे हैं। तालाब की सबसे अच्छी बात यह है कि इतना बड़ा तालाब है, बीच में शानदार टापू है और यहाँ कोई मगरमच्छ या ऐसा कोई भी खौफनाक जानवर नहीं रहता है। तो अमरचंदिया तालाब पर पहुँचने के लिए हम उदयपुर से माउंट आबू रोड पकड़ते हैं। रास्ते में श्रीनाथ जी का मंदिर आता है घसियार में, उसको क्रॉस करते हुए हम आगे पहुँचेंगे, जहाँ से हमें हाईवे से नीचे उतरना है हल्दीघाटी रोड पर। कुंभलगढ़ और हल्दीघाटी के बोर्ड्स आपको लगे हुए दिख जाएंगे, यहाँ से हमें हाईवे से नीचे उतरना है और हाईवे के नीचे से होते हुए हमें सिंगल रोड पकड़नी होगी जो कि जाती है कुंभलगढ़ हल्दीघाटी। हमें कुंभलगढ़ के रास्ते पर ही यह तालाब मिलेगा। गाइस, माउंट आबू हाईवे से हम नीचे उतर चुके हैं, ब्रिज क्रॉस कर लिया है हमने नीचे उतर के, और अब ये वाला जो रास्ता है ये रास्ता जाएगा हल्दीघाटी कुंभलगढ़। अगर आपको अच्छा नाश्ता करना है तो आप इसी जगह नाश्ता कर लें, क्योंकि आगे फिर आपको अच्छा नाश्ता नहीं मिलेगा। इसी रोड पर आगे एक चौराया ये आएगा, लोसिंग चौराया फर्स्ट, इस पे हमें नहीं मुड़ना है, हमें आगे जाते जाना है और कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद एक चौराया और आता है जो है लोसिंग चौराया सेकंड, वहाँ से हमें मुड़ना है। इस चौराहे पर आपको कोने पर ही एक बोर्ड दिख जाएगा ब्लू कलर का, जिस पे साफ साफ लिखा हुआ कुंभलगढ़ फोर्ट 56 किलोमीटर। इसी रोड पर हमें मुड़ना है और इसी रोड पर हम आगे जाते रहेंगे, कुछ किलोमीटर जाने के बाद आपको सीधा अमरचंदिया तालाब दिखाई दे जाएगा जो कि हमारी डेस्टिनेशन है।